आपके पास C2I2 या मिसाल के साथ, ठीक है, आपके साथ ये एग्जांपल है, इसमें C2 का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन आपके एग्जांपल में देखिए C2I2 का स्ट्रक्चर आपके पास ये है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड और इसके साथ भी एक आईडी अटैच है और इसके साथ भी एक आईडी अटैच है। अब कार्बन का वैलेंसी वो होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ में बता दूंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट अपने पास ये है कि हाइब्रिडाइजेशन हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए बात करते हैं, शुगर बॉन्ड के लिए बात करते हैं, मतलब अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं करते, सिर्फ हम इसे सिग्मा बॉन्ड करते हैं। तो अगर आप इस तरह के किस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, सो यू आई को कार्बोनेशन एस एस, तो इसमें एस की हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है, इसमें एस की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसमें भी एस3 है, इसमें भी एस3 है। अब यहां पर अगर आप से कहें कि आईवी में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो किसी से बात में से कहें चलिए आईवी में लोन पेयर कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितना है, बाप आपको पता नहीं कि लोन पेयर से क्या है, तो मैं कहें एक्ट किया था कि लोन पेयर के हवाले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए 3 पॉइंट्स है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, दूसरा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर में थे और कितने बच गए और जो बच गए उनको डिवाइड करो आपके साथ, ओके। तो आप आईवी में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेवन इलेक्ट्रॉन में कितने शेयर हुए, 1, कितने बच गए, 6, सिर्फ उनको डिवाइड करके दिया 3 लोग पेयर आ गए, तो यहां पर लोग पेयर, यहां पर लोग पेयर, यहां पर यहां पर लोग पेयर, यहां पर लोग पेयर, यहां पर लोग पेयर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया, 1 सिग्मा बॉन्ड आया और लोग पेयर से निकला है 3 है इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 4, ये समझ में है, sp 3 है, तो इसमें भी sp 3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp 3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसा ही था। अब अगर आप इसकी क्वेश्चन करें पिछले साल ये इंस्टीट्यूट आया था, पिछले साल इसी बेस पर ये इंस्टीट्यूट आया था, द हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीजन के टर्म, द हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन के टर्म, इन ऑक्सीजन के टर्म आप H2O एंड CO2, H2O एंड CO2 ऑक्सीजन के टर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपके साथ ये क्वेश्चन है। तो अब जैसे मैंने उन्होंने किया था, अब जैसे आपके पास है sp3sp, ऑप्शन बी आपके पास है sp3sp2, ऑप्शन सी आपके साथ है sp3sp3, ऑप्शन डी आपके पास है sp2sp2, इसमें कौन सा ऑप्शन है, शाबाश, आप देखें यहां पर मुझे पता है इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखें यहां पर आपके पास एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके साथ H2O है और दूसरा आपके साथ सी, तो H2O का स्ट्रक्चर आपके पास ये है H2O, अगर आप स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो दूसरा पक्षी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के एवरेज में कितने इलेक्ट्रॉन जाने के सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के एवरेज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक ट्रिक भी है कि आप किस तरह स्ट्रक्चर बना करेंगे एक कंपाउंड का, आपको पता नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो मतलब इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रुप पर डिवाइड करें तो ये 2 लोन पेयर आता है, तो ऑक्सीजन H2O में ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, 2 लोन पेयर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन को बाइंड कर रहे हैं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 है प्लस 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन इसके क्या है, हां इसके लिए sp3, अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन में किसमें ऑक्सीजन में स्थिति है, इसी तरह CO2 अपने पास कार्बन है, ठीक है, अपने पास क्या है कार्बन, आपको पता नहीं कि कार्बन CO2 सपोज करेंगे आपको पास एक ऐसा कंपाउंड आया होगा, आपको पता नहीं इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो अब यहाँ इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्सीजन कितना मान आता है 2, तो मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए, ठीक है, अब यहाँ पर तो कैसा है, अब इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन में लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें इसमें एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन में क्या है, अब ऑक्सीजन के केस में ये कैसे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 को 2 पर डिवाइड करने से 2 लोन पेयर आते हैं, मतलब
तो यहाँ पर देखें ये आपके साथ हो गया लोग आपके साथ लोग। अब ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है, लोन पेयर कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 हाइब्रिडाइजेशन किसका sp2 का। अब देखिए तो 1 में sp3, सिग्मा में sp2, sp3 sp sp3 sp2 sp2 sp3, तो दो अगर आपके पास है जिसमें यहाँ पर sp3 sp2 मौजूद है, यहाँ पर भी sp3 sp2 मौजूद है, यहाँ पर sp3 sp2 है, लेकिन कटी में फर्क है, तो सबसे पहले हमने क्या किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आप H2O, तो सबसे पहले H2O पे sp3 आ गया, तो sp3 sp2 आ गया, ये sp3 आ गया। अब आपके पास देखें कि हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है, क्या है आपके पास N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल में N का हाइड्रोजन क्या है, तो सबसे पहले ये लेंगे कि N में कितने नंबर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में इलेक्ट्रॉन है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये एक और N के साथ बांट हुआ है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस क्या है 3 है, तो ये 3 बांट बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है 3 बांट बनाता है, उन्होंने 3 बांट बनाया, 3 बांट बनाया। अब यहाँ पर 3 बांट में से 5 में से 3 निकल गए तो 2 बच गए, ठीक है, तो 2 पर डिवाइड करें 1, तो 1 लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ, ये इस नाइट्रोजन के साथ, ये तो लोन पेयर लगा। अब अगर आपसे पूछे कि इस नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर में सिग्मा बॉन्ड क्या है कितना है 1 सिग्मा बॉन्ड है, चाहे आपके पास बॉन्ड ट्रिपल हो डबल हो सिंगल हो चुके हो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 2 हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए एसपी, तो एसपी इसमें भी है और एसपी इसमें भी है, इजी ये कांसेप्ट दोबारा कर सकते हैं, दोबारा कर लीजिए, ये सेम कर सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बांट, नाइट्रोजन कितना बांट आता है वैलेंस क्या है, मिनिमम वैलेंस करती है, मिनिमम वैलेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री किया, उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री किया, ठीक है, तो 5 में से 3 निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो पेयर को पॉइंट करने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन 2 पर डिवाइड है, 2 पर डिवाइड हुआ अंतर यहां पर आ गया, ये उन्होंने इसके साथ एक कंपेयर इसके साथ। अब हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1 है, अगर इस नाइट्रोजन में पॉइंट करना है नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2 जब आएगा तो ये आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इस नाइट्रोजन के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन। अब सेम केस इसी के लिए इसके लिए इसके लिए, ठीक है, अब अगर आपके पास रिएक्शन की बात है, यहां पर ये आपके पास है H2SO4, क्या है आपके पास H2SO4 आपके पास है, तो H2SO4 सबसे पहले सल्फर लेते हैं, क्या लेते हैं सल्फर, सल्फर आपने देख लिया, अब सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, और सिर्फ यहाँ पर सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर बांड उन्होंने कितने बनाए हैं, तो बांड उन्होंने कितने बनाए हैं कि ऑक्सीजन 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 इस तरह बांड उन्होंने बनाया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है H2SO4 में, तो यहाँ पर सिर्फ पहला बांड उन्होंने ऑक्सीजन के साथ बनाया है, ठीक है, तो बजाय इसके कि हाइड्रोजन के साथ बांड बनाए ऑक्सीजन का एक्टिविटी भी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ डबल बांड बनाया। अब एक ऑक्सीजन के लिए और बांड चाहिए, तो सल्फर के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसको दे सिर्फ इतना तो कमी हुए, तो ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब अगर आप सिर्फ पर इतना देखेंगे तो इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर